तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है 9:30 बजने वाला है और आज मेरा अल्ट्रासाउंड है, शायद लास्ट सेकंड अल्ट्रासाउंड, आज कलर्ड वाला अल्ट्रासाउंड है। और नाश्ता बन गया है, ये बनाया मम्मी ने, कद्दू बनाया। अभी बस खा के मेरा देवर आ जाएगा, फिर उसके साथ जाऊंगी अल्ट्रासाउंड कराने और देखते हैं आज कैसी रिपोर्ट आती है। तो मैं आ गई हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड करा के और आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, सच बता रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि एक अल्ट्रासाउंड मैंने कराया किदवई नगर से, तो उसमें आया कि बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि आज इंजेक्शन लगेगा, कल लगेगा और परसों आप अभी एडमिट हो जाओ पास में। जब उन्होंने पूछा कहाँ रहती हूँ तो मैंने बताया पास में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अभी एडमिट मत हो और 2 दिन बाद एडमिट हो जाइए और फैमिली मेम्बर से बात कर लीजिए कि एडमिट होकर ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन करना है। फिर हम लोगों ने कंफर्म कि मतलब कहीं अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इस वजह से हम लोग दूसरा अल्ट्रासाउंड कराने गए थे। तो हम लोगों ने साकेत नगर में करवाया और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसमें सब कुछ नॉर्मल है। बेबी का वेट ठीक है, जो आसपास जो पानी होता है बेबी के वो भी सब सही है, और प्लेसेंटा और जो उसने फेस जो हेड है, हेड डाउन है, मतलब सब कुछ ठीक है। और अभी वो वाली रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब मैं सुबह 11 बजे से बस हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल, यही सब करा के परेशान हो गई हूँ। और अभी दोनों रिपोर्ट आई गई हैं, तो अब हस्बैंड ने बोला है अब जा रही हूँ दूसरे डॉक्टर को दिखाने, तो वो है सरूप नगर में, अब वहाँ जाऊँगी। सुबह से भागते भागते बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा परेशान मैं नहीं हुई। जब डॉक्टर ने बताया ना कि बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को बहुत रोना आया था कि मतलब ये क्या हो गया। मैं इतना देखती रही, बहुत इतना बचाव किया, फिर भी इतना। अभी देखो क्या होता है, फाइनल तो पता चलेगा, वो अभी इस डॉक्टर को भी दिखाऊँगी, फिर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। देखो अब मेरी हिम्मत नहीं है पर जाने की, एक्चुअली बाइक में बैठ के ना थक जाती हूँ और फिर दर्द होने लगता है जब ब्रेकर्स वगैरह आते हैं। तो अब जा रही हूँ, हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, सच में बहुत ज़्यादा बुरी। सुबह से केवल भाग रही हूँ, बस लग रहा है कुछ खा लूँ, भूख बहुत तेज़ लगी है। और बाहर का फास्ट फूड भी नहीं खा सकती हूँ, बात तो ये भी है ना कि फास्ट फूड भी नहीं खा सकती हूँ। तो फिर अभी मैं मम्मी को बोला है, अभी मम्मी लौकी की सब्जी चावल रोटी बना रही हैं, तो अभी खाऊंगी। और फिर अभी 7 बजे निकलना है और 7:15-20 बचे हैं, अभी खा के ही जाऊँगी जब जाऊँगी, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। सिर्फ केवल टेंशन ले लेके मैं बस परेशान हो गई हूँ और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, मम्मी भी परेशान हो गई हैं, पापा भी, कि अचानक से क्या हो गया। देखो पता चलेगा अभी रात में, शाम अभी तो शाम हो गई, काफ़ी शाम हो गई है। देखो दिखाती शाम हो गया क्योंकि 7 बजने वाला है ना। और अभी मैं जा रही हूँ, लग रहा ना अभी देखो अभी रेडियो पे फिर जाती हूँ, क्योंकि ये शक्ल लेके तो ससुराल, अभी ससुर है मेरे वहाँ पर, चाचा ससुर, वो दिखवाएंगे क्योंकि अब वो लेके जाएंगे मेरे को। अभी फेस फेस धुलूंगी क्योंकि अभी खाना वगैरह खा के निकलते हैं, पापा आ गए हैं ड्यूटी से, अभी जा रही हूँ खाना वगैरह खा लूँ, हालत थोड़ी ठीक कर लूँ अपनी, फिर जाती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या क्या पता चलता है।
डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है। तब तक के लिए बाय बाय। आ गई हूँ डॉक्टर के यहाँ से, और डॉक्टर ने तीसरा अल्ट्रासाउंड कहा है, तो आज सब कुछ तो बंद हो गया था। और ब्लड टेस्ट ले लिया और यूरिन, और अभी कल अल्ट्रासाउंड होगा एक, फिर फाइनल पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है और क्या होगा। और उसी बीच जस्ट अभी मम्मी ने बताया, मैं मम्मी कहती थी कि मेरी जो डिग्री डिग्री आ गई, मम्मी ने कहा तेरा कुछ आया है। अभी मैं अभी आप ही के सामने खोलूँगी इसमें क्या आया है, अभी देखते हैं। अभी मैंने मम्मी को बना दिया स्टैंड, अभी देखते आया क्या है। छत्रपति आया तो कॉलेज से ही है कुछ, मेरे बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना सब लोग। आगे मैं इसको मड़वा दूंगी। अच्छा सेकंड डिवीजन से पास हुई थी मैं, हाँ शादी के चक्कर में पढ़ाई कहाँ कर रही थी, पास ही हो गई। वही वही बहुत बड़ी बात है, देखो फोटो तो बड़ी अच्छी लगी है। देखो बीए की मार्कशीट है ना, हाँ बीए की वो है मार्कशीट। चलो बढ़िया है, कुछ तो आया, पूरे दिन तक कर कुछ तो मिल गया, मुझे कॉलेज नहीं पानी के आगे राज भगवत माई राव जब पहले दही अल्ट्रासाउंड करवा। अच्छा ये देखो मम्मी भी आज बहुत परेशान है, मम्मी भी परेशान है, ये भी बहुत परेशान है, पापा भी परेशान हो गए। अब कल पता चलेगा क्या होगा। पढ़ाई वढ़ाई तो एक साइड हो गई अब।